ये देखो ये कैसा निकल रहा है, देख रहे हो जो रेसे रेसे हो जाए ना चाहिए भाई, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह भाई पानी गर्म हो रहा है, साथ में चूल्हे में हमारी यहाँ पे केतली में चाय बन रही है, उबल रही है धीरे धीरे। दरअसल ठंडियों का टाइम है तो ठंडियों के टाइम पर ना चाय बहुत ज़रूरी है, और साथ में अपने नहाने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है। तो कल शाम को कैंपिंग से घर पे पहुंचा था, नहाना धोना कुछ हुआ नहीं ना कल भी, तो आज करने वाले हैं बिल्कुल भाई पसीने की स्मेल आ रही है क्या बोले। और आज मैं जाने वाला हूँ नवखाल की तरफ में, थोड़ा सा एक कुलाड़ी बनवाई थी कैंपिंग के लिए, तो वो थोड़ा कच्ची हो गई, उसकी धारों मुड़ रही है, तो उसको सही करवाने के लिए जाना है, क्योंकि हम जाने वाले हैं दीबा। दीबा में ट्रैकिंग करने वाले हैं, 30 को निकलेंगे यहाँ से, 1 को वापस आएंगे, तो बहुत प्यारा बहुत मज़ेदार होने वाला है। सुबह सुबह का टाइम और सुबह का मौसम की बात ही कुछ और है, वहाँ देख रहे हो अपने कपड़े वहाँ पे सूख रहे हैं। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले बनाने वाला हूँ नेचुरल शैम्पू, जो कि हमारे यहाँ पे पेड़ों से बनता है ना, तो उसको बताने वाला हूँ कि वो शैम्पू कैसे बनता है, और साथ में क्या करेंगे मतलब पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे यूज़ करना है, कैसे बनता है। तो सुबह का टाइम, खाना बन रहा है, और केसू को देखो, केसू कैसे तना पड़ा है। तो सुबह सुबह की चाय पीते हैं और उसके बाद मैं बताना शुरू करता हूँ आपको मैं कि कैसे बनाते हैं हम लोग। तो पहले चाय का मजा लेते हैं और उसके बाद करते हैं शुरू। पहाड़ों का जो अदरक होता है ना, उसका बात ही कुछ और है भाई। तो दोस्तों अब आ चुके हैं भाई अपने खेत में, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पहाड़ी शैम्पू कैसे बनता है। थोड़ा सा एक चीज़, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगा। पहले ये भीमल का पेड़ है, दरअसल भीमल का पेड़ देख लो, कुछ ऐसे पत्तियाँ होती हैं, तो ये पत्तियाँ पहचान लेनी है। जो उत्तराखंड के लोग होंगे उनको तो पता होगा भीमल शैम्पू भी आता है, तो इसी से बनता है दरअसल। तो इसके ना एक दो डंठल काट लेता हूँ पहले। भीमल की डंठल तो काट दी है, अब इसका ना पत्तियां तो जानवरों के काम आ जाएगी, लेकिन हो क्या रखा है, आज बाल ना बिल्कुल वैसे हो रखे हैं, कल धूल मिट्टी पसीने की वजह से ना, तो आज थोड़ा सा मुलायम करते हैं, सिल्की टाइप के बाल करते हैं, तो हमें चाहिए ऐसी डंठल, और इस डंठल से चाहिए रेसा इसका। तो ये जो इसका बाहर का छिलका है ना, तो ये छिलका चाहिए दरअसल हमें, तो ये निकल रहा है ना, जो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसे, हाथ से आसानी से छिल सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना जैसे, तो आसानी से निकल जाएगा फिर। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं भाई भीमल लेके अपने चौक में, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दरअसल निकाल दिया है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इससे निकालना है पूरा ना। तो वहाँ पर मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं रहा था, तो मैंने बांसुरी ली, जो कि हमारे यहाँ पे होता है छिल्ला फाड़ने के लिए, और इससे ना इसको बीट करना शुरू करेंगे ऐसे करके, है ना, याद रहे दोनों तरफ में ना हार्ड सरफेस होनी चाहिए। जैसे ये रेसे निकल गए ना, अलग अलग हो गए, तो इनको ऐसे करके अलग कर देना, और इससे भाई कपड़े बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है भाई ये। तो आज मैं आपको ना बाद में नहाने के बाद में फिर अपने बाल दिखाऊंगा कैसे सिल्की होते हैं, देखना ठीक है। तो ये हो गए, ये निकल गया, जिसको मतलब चमकदार बाल चाहिए होते हैं ना, देखो थोड़ा सा ही निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पहले ही निकाल दिया, तो इतना काफ़ी है। अब मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको क्या करना है इसमें। छिलके उतारने के बाद में अब करना क्या है कि इसे कूटना है थोड़ा सा, तो हार्ड वही ले लेना है ठीक है, अच्छे बाल चाहिए तो यार करना ही पड़ेगा फिर तो, ऐसे करके। तो इसे अच्छे से कूट लेना भाई, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे खींच लेना इसे, मतलब जो रेसे रेसे हो जाए ना, ऐसे करके। देखो इससे ना ये चिपचिपा निकलना शुरू हो गया, देखो
आपको गंदा लग रहा होगा लेकिन गंदा है नहीं, ठीक है। हो गया ना, इसके देखो रेसे रेसे निकल गए। तो अब इसको ना सीधा करना है, पानी में डुबोगा, ठीक है। तो यहाँ पे पानी में डुबो के रखना है कुछ देर के लिए इसे, यहाँ पर। तो इसे रहने देना है पानी में, ऐसे करके यहाँ पे पानी में मिक्स करना है, ठीक है। तो मैं और भी कूट लेता हूँ पहले जल्दी से, और फिर बताता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों पानी में मिक्स कर दिया है, और ये देखो ये कैसा निकल रहा है, देख रहे हो। ये देखो, हाँ बिल्कुल मज़ेदार ना, ये है हमारा पहाड़ी शैम्पू। तो अभी हम इसी से नहाने वाला हूँ मैं, बिल्कुल मज़ेदार। पहले ज़माने के लोग ना इसी से नहाया करते थे दरअसल ना, क्योंकि साबुनें हुआ नहीं करती थी ऐसी, लोग वो नहीं कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे गाँव में ना, तो इसलिए क्या करते लोग इससे नहाया करते थे। तो ये घने चमकदार और मुलायम बाल करेगा भाई, और बालों को झड़ने से भी रोक देगा। तो पापा एक बार इधर दिखाना कैसे हो रखा है। ये देखो ये पानी जो उस टाइम पे कैसा था ना, अब देखो ये कैसे हो गया, लार बन गया पूरा का पूरा, देखा ना ये। तो ये देखो, तो ये पूरा का पूरा इसी तरीके से शैम्पू होने वाला है। तो अभी ऐसा करता हूँ मैं नहा के आता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको देखो मैं एक बार बता देता हूँ मैं कैसे लगाने वाला हूँ। तो मैं नहाते टाइम ना इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इससे जैसे ऐसा डुबाऊंगा ये निकलेगा, फिर सीधा बालों पे मैं अप्लाई कर दूंगा, और 2-3 मिनट रखूंगा और उसके बाद धो दूंगा, फिर तब देखना बाल कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों भाई बाथरूम में पहुँच चुके हैं, और लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ तो मैंने लगा दिया है, और कुछ अभी लगा ही रहा हूँ। तो ऐसे करके लगाना है दोस्तों, इसे अप्लाई करना है इसी से, और ये जो बात बाकी बाद में बचेगा ना, इससे अपना शरीर धो देना फिर। ये देख रहे हो मज़ेदार है ना, तो ये पूरा का पूरा लार सर में जाना चाहिए भाई। ये जो टपक रहा है, थोड़ा घिनौना है लेकिन घिनौना चलेगा यार, ऐसा घिनौना चलता है। तो ये देखो अपना पूरा का पूरा तैयार है। मज़ेदार ना, अब नहा के बताता हूँ मैं, ठीक है, अपने बाल कैसे होते हैं। दोस्तों भाई पहाड़ी शैम्पू से बाल धोने के बाद में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खा पी के रेडी। आज दादी मैंने ना भीमलाल धुई बाल दरअसल, अब कपाल ही नहीं ठंडू बिल्कुल जनुली। बाल ऐसे मतलब सर ऐसे हो रखा ना, बिल्कुल ठंडा हो रखा है भाई, बिल्कुल मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ठंडा पानी गिर रहा है, या फिर ठंडी हवा निकल रही है सर से, मतलब बढ़िया हो रखा है। और खाना पीना खा के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज मैं और पापा जाने वाले हैं अंचोल लगाने के लिए, मतलब वो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, आज कुलाड़ी बनवा के आएंगे मतलब। तो आज देखते हैं, हाँ तो दोस्तों चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। और मैं दरअसल नीचे वेट करूँगा, पापा थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं तैयार होके आ रहे हैं, मतलब रेडी होके आ रहे हैं, पापा को थोड़ा सा टाइम लगता है रेडी होने में। तो हम चलते हैं दोस्तों, वहाँ चाची को देखो, चाची सुबह सुबह देख रहे हो, यहाँ पर इतना ठंडा पानी है ना भाई, इतना ठंडा पानी है, ठंडे पानी में देखो कपड़े धुले जा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सुबह के टाइम पर दरअसल मैं कह रहा था आपको कि हम जाने वाले हैं, यानी कि मैं और पापा जाने वाले हैं कुल्हाड़ी बनाने के लिए। कुल्हाड़ी बना के दरअसल आ गए, लेकिन बाजार में नहीं, कहीं और किसी और जगह से। मौसम देखो अभी सनसेट हो रहा है धीरे धीरे, काफ़ी टाइम हो गया, टाइम दरअसल मुझे हो गया यार वीडियो एडिटिंग करने में, अपलोड करने में ना, इस जगह पर थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क होता है। कल नाइट में मैंने दरअसल कुछ भी काम नहीं किया, ऐसे ही बीत गई नाइट, और फिर सुबह के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें काम में थी ना, पेंडिंग पड़ी, तो उनको करने में टाइम बीत गया। बाकी अभी का मौसम इतना प्यारा, इतना खूबसूरत हो रखा, आप मेरे पीछे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे हो रखा। और सर भी ऐसे हो रखा ना भाई, अभी ठंडा भाई, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि सुबह जो भीमल के शैम्पू से नहाए, और पापा हो रखे हैं परेशान, ठंड से हालत ख़राब हो गई है। तो अभी हम ना यहाँ से सीधा वापस घर ही लौट रहे हैं, और घर पे जाने के बाद में हम कुछ देखते हैं, आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, मैं और पापा प्लान कर रखा है हमने, तो आज बिल्कुल सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब, तो उसमें मज़ा आने वाला है। सीधा घर की तरफ में बढ़ते हैं, घर में दिखाते हैं आप, और बाकी जो हथियार जो बनवाए थे उनको रहने देते हैं, उनको नहीं दिखाते हैं, अच्छा नहीं है दिखाना। तो दोस्तों मौसम तो काफ़ी ठंडा हो रखा है, बाइक में भी हालत ख़राब हो गई थी ठंड से। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी जैसे हम घर पर पहुँचे हैं ना, तो आज कुछ खाना पीना हुआ नहीं, तो आज हमने सुबह क्या प्लान किया था कि खाजा बनाएंगे, यानी कि खाजा बनाने वाले हैं। और खाजा तो गढ़वाली लोगों को पता ही होगा,
कुछ हिमाचल या नेपाल के लोगों को भी पता होगा कि क्या होता है खाजा ना, तो उसी को बनाने वाले हैं। अभी आग जल रही है, साथ में गाय के लिए वहां पर चावल पक रहे हैं। जैसे ये पकता है फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। तो आज के दिन पर भी पापा ही बनाने वाले हैं। दरअसल पापा आजकल यार फुल फॉर्म में आ रखे हैं बिल्कुल, कि खाजा बनाना कभी ये कभी वो, मज़ेदार। घर पे आने के बाद में चाय चल रही है गर्मा गर्म, और पापा कर रहे हैं अदरक छिलने की तैयारी। अदरक हो गया, साथ में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ें छिली जा रही है। धनिया भी रख दिया यहाँ पे। तो आज के दिन पर ना कुछ स्पेशल बनने वाला है भाई। स्पेशल यानी कि जिसे आपने शायद अभी तक नहीं देखा होगा, बहुत पहले दिखाया था एक बार मैंने, और उसके बाद में अब ही दिखाऊंगा। तो जो भी है बढ़िया। तो दोस्तों जहाँ पर एक तरफ में पूरी तैयारी हो रही है, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है जिसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे बनता है, और उसके बारे में बताएंगे कब खाते थे यहाँ पर पुराने लोग, कैसे खाते थे, ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। शाम का टाइम, और शाम के टाइम पे चांद देखो अब कितना बड़ा आना शुरू हो गया ना, बिल्कुल गोल चांद। चांद भी देखो भाई, चांद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। पापा अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुझे अभी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है कि खाजा कैसे बनता है, क्या बनता है। एक बार खाया है, और एक बार बहुत पहले एक दादी ने बनाया था, उनके हाथों से खाया था, तो बहुत टेस्टी हो रहा था भाई, बहुत टेस्टी। बाकी देखो आज पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो पतीले को कर दिया है किनारे यानी कि साइड रख दिया है, और इसको देखो ये अभी इतना ज़्यादा उबल रहा था ना, देखो कितनी ठंड हो रखी है यहाँ पे। दोस्तों काफ़ी सारा चीज़ें काटी जा रही है, लहसुन प्याज और लहसुन के पत्ते हो गए, साथ में धनिया भी रखा है, और ये देखो, और ये देखो भाई, ये है जिससे हम आज खाजा बनाने वाले हैं। तो खाजा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ये देख लो, पहले एक बार समझ लो। तो इसमें है दरअसल सोयाबीन के बीज, सोयाबीन और मकई, और साथ में गेहूँ। तो आपको गेहूं दिख नहीं रहा होगा, देखो आप देखो, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, गेहूं, सोयाबीन और मकई है। मकई दरअसल बारीक बारीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। तो दरअसल भूख इतनी तेज़ लगी है ना मुझे, इतनी तेज़ लगी है। दरअसल हम बाद में भी खाना बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कढ़ाई अपनी चढ़ चुकी है और अब पूरा मसाला बन रहा है साथ साथ में। तेल डलने की तैयारी शुरू भाई। तो अब तेल डल रहा है साथ में, यहाँ पे देखो तड़का तुड़का क्या है, तड़का भांग का लगाएंगे, तड़का देखो तड़का क्या है भाई, खतरनाक चीज है। तो पूरा इसका तड़का लगने वाला है, और सब लोग आज झूमेंगे भाई हमारे घर पे, सब लोग झूमेंगे। ये जो अभी तक साफ नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब मैंने बड़ी लाइट लगा दी है ना, बिल्कुल देखो रात को मैंने दिन में बदल दिया आप लोगों के लिए। तो ये चले गया अपना तड़का। तो तड़का डालने के बाद में अब यहाँ पर रेडी हो गया है हमारे, यहाँ पे चले गए हैं खाजा, यानी कि जिसको हम खाजा कहते हैं ना, ये वाली दाल मिक्स हो गई है उसमें। तो अभी इसी को भुनने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दोस्तों इसमें। जैसे आगे प्रोसेस बनता है तब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों भाई खाजा अपना बनना शुरू, यानी कि थोड़ा बहुत और पकना है इसे, थोड़ा मैंने बीच में स्किप कर दिया था, तो अभी थोड़ा सा और पकना है और उसके बाद में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आजकल पापा ना फेमस पर्सनालिटी बनाए हर जगह पे, हर कोई पहचान रहा है, बढ़िया मज़ेदार। मतलब मुझे कम पहचान रहे हैं लोग, पापा को ज़्यादा पहचान रहे हैं। तो ये हमारा ना यहाँ का पहाड़ी डिश है, जैसे कि हम सर्दियों में खाया करते थे, जब झड़ पड़े होते हैं ना, यानी कि बारिश हो रही होती है, बर्फ़बारी हो रही होती है, तो उस टाइम पर हम इसको खाते हैं यहाँ पर। और इससे शरीर में बिल्कुल गर्मी आती है, प्रोटीन मिलता है, बहुत सी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल एनर्जी होती है भाई, इससे एनर्जी मिलती है। मतलब तगड़ा खाना है, इसे कहते हैं मोटा खाना, तो मोटा अनाज कहते हैं इसे। तो आजकल अपने पापा बिल्कुल शेफ बने हैं, जिसने नहीं देखा तो एक बार फेसबुक पर जाके ज़रूर देख लेना, बिल्कुल मज़ेदार भाई। और ये देखो बढ़िया ना। तो अब इसमें चले गया है धनिया जाना शुरू, धनिया डालना आप शुरू करते हैं ऊपर से, ये गजब मज़ेदार। तो दोस्तों अपना खाजा बनके तैयार, और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग अपने पितरों के लिए रखते हैं। तो पितरों के लिए हम यहाँ पे चूल्हे के किनारे पे रखते हैं, इन यहीं पर पूछते हैं दरअसल पितरों को भी ना। तो ये रख दिया है एक कटोरी में, थोड़ा सा उनके लिए पहले खाने से पहले, और अब इसको खाना शुरू करते हैं भाई, इंतज़ार नहीं होता, देख कर तो मज़ा आ रहा वैसे भी। दोस्तों हमारा जो वो है ना, क्या बोलते हैं, से खाजा बन के तैयार, और अब खाना शुरू करते हैं भाई, इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल इसको ना कल सुबह से भिगो के रखा था, और मैंने ये चीज़ें तो आपको बताई थी कि हम कब कब खाया करते थे इसे, जैसे बर्फ़ पड़ेगी ना तो हम लोग फिर इसे खाना अब शुरू करेंगे, ठीक है। एक टाइम दिन में या दो तीन दिन में एक बार, इससे बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर भरपूर मिलता है, और साथ में ताकत तो रहती है, और गर्मी लेके आता है ना बॉडी में, तो ये चीज़ है। तो जो भी है बढ़िया।
जो भांग के बीज है ना वो बहुत क्रंची है, और जब मुंह में जब फूट रहे ना अलग ही टेस्ट आ रहा है भाई, गजब टेस्ट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो इसको ना इतना भी बॉईल नहीं करते कि बिल्कुल ही गल जाए, मतलब इतना नहीं करते, थोड़ा बहुत चबाने के लायक रखते हैं इसे। पापा बन मेरे फर्जेंट बन गए खाना बनाने के लिए। पापा पूरे के पूरे शेफ बन चुके हैं भाई। तो पापा भी खा रहे हैं और साथ में मम्मी भी, और अभी देखो कितना सारा बचा है। तो थोड़ी देर में फिर खाना भी बनाना शुरू करेंगे। फिर इसको यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना, और अभी तक फेसबुक पेज पर विजिट नहीं किया तो फेसबुक पेज पर भी विजिट कर लेना। कोई भी क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर, और वीडियो को साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।